नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट बुक्स इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आपके पास में कुछ इस तरह के बुक्स होते हैं जो कि प्रिंटेड होते हैं और आप चाहते हैं उसको वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में कन्वर्ट करना, बट ये कन्वर्ट करना आसान नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% फ्री इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, जो कि 100% फ्री है, क्योंकि जो भी इमेज होती है उसको हमें, जो भी हमें पेज होता है उसको टाइप करना पड़ता है, तब जाके वर्ड फाइल में कन्वर्ट होता है। बट इस वीडियो में आपको टाइपराइटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हम कुछ बुक्स ले लेते हैं जो कि इस तरह से होंगे। इस तरह से आपके पास में भी कुछ बुक्स होंगे। अब इस बुक को आपको कन्वर्ट करना है किसी वर्ड फाइल में, तो कन्वर्ट करने के लिए इस बुक के जो भी पेजेस है इसको स्कैन इमेजेस कर लीजिए। जैसे आप स्कैन कर सकते हैं आपके मोबाइल से, या आप स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। ये सब होने के बाद में हमारे पास में इस तरह की इमेजेस आएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने दो डिफरेंट इमेजेस ली है। एक ली है मैंने किसी एक स्टैंडर्ड बुक की और एक ली है मैंने मेरे नोटबुक की, जो मैं दोनों आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। एक कंप्यूटर जो टाइपिंग वाली है वो, एक हाथ से लिखे वाली वो कॉपी, दोनों को मैं कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब मेन पार्ट पे आते हैं। अब ये कन्वर्ट होने आने के बाद में आपको इसको मोबाइल से, या मोबाइल पे, या आपको लैपटॉप पे, या आप इसे डेस्कटॉप पे भेजना चाहिए, तभी जाके हम इसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास में ये तीन डिवाइस तो हो गई होगी, किसी ना किसी के पास में एक तो डिवाइस है, तो एक डिवाइस का हमें यहाँ पे काम पड़ेगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप यूज करिए, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप, मोबाइल है तो मोबाइल। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपने ये डेटा आपके मोबाइल से स्कैन करके लैपटॉप या डेस्कटॉप भेज दिया है। अगर नहीं भेजा है तो ये वीडियो देखिए, इसमें मैंने बताया है कि हम किस तरह से डेटा को शेयर कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये गूगल का है, नियर बाय शेयर वाला, तो आप इसको वायरलेस शेयरिंग कर सकते हैं इसके साथ से बहुत ही आसानी से। तो एक बार जरूर इस सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, और ये वीडियो में मैंने डिटेल बताया है। अब चलते हैं हम इमेज को एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है, जैसे मैंने कहा था, लैपटॉप भी आप ले सकते हैं या आपके पास में मोबाइल भी हो सकता है। यहाँ पे मैं टेस्टिंग के तौर पे दो इमेजेस लूंगा, ये वाली। तो अब मैं चलता हूँ लैपटॉप में और मैं वर्क करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको आपके जो जीमेल आईडी है उसके ड्राइव में जाना है। तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव में जाता हूँ। अब गूगल ड्राइव में कैसे जाना है, इसको कैसे यूज करना है, इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है और हमारे चैनल पे भी है, एक बार जरूर देख लीजिए। तो मैं गूगल ड्राइव पे आया, और यहाँ पे मैं जो इमेज मैंने बनाई, दो इमेज मैंने आपको दिखाई थी, वो इमेज मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये इमेजेस है हमारे पास में, सबसे पहले तो ये वाली इमेज लेते हैं, यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपलोडिंग होने लगा, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे इमेज आ जाएगी माय ड्राइव सेक्शन में। ये देखिए माय ड्राइव सेक्शन में आ गई। अब इस इमेज को आपको कन्वर्ट करना है। अभी ये कन्वर्ट नहीं हुई है डॉक्यूमेंट में। अब इस पे राइट क्लिक करिए, ओपन विद पे गूगल डॉक कर दीजिए। आप जैसे ही गूगल डॉक करेंगे ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए अब ये कन्वर्ट होती है। अब एक्चुअल में हमारी फाइल ये थी, अब इसने ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, और आप इसे एडिट करने के बाद में इसे डाउनलोड भी इस तरह से कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे और डाउनलोड सेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगी। आप इस फाइल को यहाँ से, जो इमेज है इसको भी डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से आप इस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे ये जो फाइल है सेकंड वाली, आपको मैं ओपन करवा के बताता हूँ, ये सेकंड फाइल कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि ये हाथ से लिखी है। जी नहीं, ये भी कन्वर्ट होती है। तो चलिए मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। अभी जो पुरानी फाइल थी हमारी, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। देखिए अब ये टेक्स्ट है, इसको ओपन करके आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए टेक्स्ट इमेज डॉट png है। इस पे आपको फिर वैसे ही जैसे मैंने लास्ट इमेज पे राइट क्लिक किया था, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ है, गूगल डॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गूगल डॉक्स जैसे ओपन होगा थोड़ी देर प्रोसेस होगा, और आपका जो भी डेटा है वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। देखिए जैसा स्पेलिंग है उसी तरह से यहाँ पे आया है। आपको थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ। देखिए वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे
तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से हमारे जो इमेजेस है उसको यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे बुक्स होंगे, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसी वीडियो में जैसे मैंने बताया इस तरह से करेंगे तो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के नए वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।